केस वन, इफ एक्स इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा को हमने पेनिट्रेशन डेप्थ माना हुआ है, तो मान लीजिए अगर एक्स बहुत बड़ा हो लैम्डा के कंपैरिजन में, तो तब क्या होगा, देन एक्स वाई लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। देयरफॉर ये जो सॉल्यूशन हमने ढूंढा है इक्वेशन 10, फ्रॉम इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 हम लिख सकते हैं कि v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v0 e रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा v0 अपॉन e रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, ये बन जाएगा v0 अपॉन इन्फिनिटी, एंड ये क्या आ जाएगा, 0। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, therefore magnetic induction will be zero inside superconductors whose thickness या length is very large compared to lambda. This tells that thick superconductors will show Meissner effect. Hence London's second equation successfully explains Meissner effect. अब case 2 है, मान लीजिए x is much smaller than lambda, तब क्या होगा, x by lambda, अब क्योंकि denominator बड़ा है इसको approximately हम 0 मान सकते हैं, therefore 10 gives, equation 10 हमें देगी, yes b is approximately equal to b0 e raised to power 0, b is equal to b0, b is equal to b0 का मतलब क्या है, जितनी फील्ड बाहर है उतनी ही मटेरियल के अंदर है, तो ये क्या एक्सप्लेन हो गया, जब मटेरियल यहाँ पे क्या है, ये है x जो है मटेरियल की थिकनेस लैम्डा के कंपैरिजन काफी कम है, ये थिन सुपरकंडक्टर का केस है, थिन सुपरकंडक्टर, और यहाँ पे मटेरियल की थिकनेस लैम्डा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ये थिक सुपरकंडक्टर है, अगर मैं आपको दिखाऊं पुराना लेक्चर, ये थिन सुपरकंडक्टर कौन सा फिनोमेना शो करते हैं, क्या जवाब है, फ्लक्स पेनिट्रेशन, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी अगर मटेरियल थिन है, और जीरो हो जाएगी अगर मटेरियल थिक है, तो therefore thin superconductors will show flux penetration. So जो thickness material की flux penetration और Meissner effect को वो करती है, separate करती है, वो actually lambda है. Lambda हमारे लिए एक खास quantity बन गई. अब हम इसको define कर दें, तो वो है penetration depth. Penetration depth की definition अगर हमने देनी हो, तो ये जो है इस equation का graph plot करते हैं. ये जो equation 10 है, equation 10 can be plotted as follows. Variation of B with respect to X is as shown as follows. तो ये exponential graph है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं आई इसको समझने में, तो graph ऐसा रहे. यहाँ पे ये B zero है, Y axis की तरफ है, field at a distance x जो है वो इधर है, तो हम क्या कहेंगे कि if we put x is equal to lambda, then from equation 10 हम मान सकते हैं कि b is equal to b0 e raised to power minus 1, ये हो जाएगा b0 by e, तो हमें penetration depth की definition मिल गई, therefore penetration depth lambda is that thickness of material, material का मतलब यहाँ पे superconductor है, up to which magnetic induction decreases to 1 by e of initial value, यानी कि जितनी field बाहर है, notice कर लो, आपके लिए बताने जा रहा हूँ, note, e की value होती है 2.7183, इसलिए 1 by e जो होगा वो 0.318 हो जाएगा, यानी कि 1 by e को हम 31.8% भी लिख सकते हैं, तो अगर हम 100 gauss field दें, अगर किसी सुपरकंडक्टर की पेनिट्रेशन डेप्थ हमने देखनी हो, तो क्या करो, आप 100 गॉस फील्ड अप्लाई करो और देखो कि कितने डिस्टेंस के अंदर जाके वो वैल्यू 31.8 गॉस रह जाती है, उसको हम पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, तो मान लो 1 मिलीमीटर अंदर जाके ऐसा हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड 31.8 गॉस रह जाती है 100 अगर अप्लाई करते हो, तो हम कहेंगे कि अगर मटेरियल की थिकनेस 1 मिलीमीटर से काफी कम रखी जाए तो वो फ्लक्स पेनिट्रेशन देगा, और अगर उसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से काफी ज्यादा रख दी जाए तो वो फ्लक्स एक्सपल्जन या फिर मीजनर इफेक्ट शो करेगा. पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ ए सुपरकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मर्करी की पेनिट्रेशन डेप्थ कुछ और होगी और लेड की कुछ और होगी, नेचर ऑफ मटेरियल, बट मर्करी के लिए भी ये वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, एंड ऑन टेम्परेचर ऑफ मटीरियल, मटीरियल के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, बिकॉज ऑफ फैक्टर n, हमारे पास लैम्डा का फार्मूला है m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर म्यू 0 इसका स्क्वायर रूट, जो फैक्टर n है ये तो था नंबर ऑफ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आप याद रखो कि एट t इज इक्वल टू 0, जब t 0 है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सुपर कंडक्टिव, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर n विल बी मैक्सिमम, क्योंकि n डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए t = 0 के ऊपर लैम्डा विल बी मिनिमम, और
एज टी इज इंक्रीज्ड, जैसे ही हम टी इंक्रीज करते हैं, देन नंबर ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डिक्रीजिंग, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने लग पड़ते हैं, एन डिक्रीज करने लग पड़ता है, तो जिसके कारण लैम्डा स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड एट टी इज इक्वल टू टी सी एन बिकम्स जीरो, सारे इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्टिविटी खो जाते हैं, एन जीरो हो जाता है, एंड लैम्डा बिकम इन्फिनिटी एज शोन इन फिगर। तो ये हमारा फिगर रहेगा कि इधर जो अगर हम लैम्डा बना दें और इधर मैं टेम्परेचर बना दूं और यहाँ पे कहीं हमारा टेम्परेचर रहे टी सी, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे बन जाता है, ऐसे जाके ऐसे, तो ये वैल्यू जो है ये लैम्डा जीरो रहे। सो द रिलेशन, द एम्पिरिकल रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन केल्विन, द एम्पिरिकल रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर इज, तो लैम्डा टी ये है पेनिट्रेशन डेप्थ एट टेम्परेचर टी, ये होगा लैम्डा जीरो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी अपॉन टी सी रेज टू पावर फोर। सो काइंडली रिमेंबर दिस रिलेशन विदाउट प्रूफ, हेंस आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।